भक्ति आराधना। जय माता दी। गुड मीडिया के खास कार्यक्रम भक्ति आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरती शर्मा और आज गुड मीडिया की टीम पहुंची है सोलन जिला के शूलिनी मंदिर में। आज के इस कड़ी में हम आपको दर्शन करवाएंगे शूलिनी माता मंदिर के और जानेंगे इस मंदिर का रहस्य व इतिहास और जानेंगे कि आखिर क्यों है हर भक्तों का इस मंदिर में विश्वास। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में विश्व भर में विख्यात है क्योंकि यहाँ पर कोस कोस की दूरी पर असंख्य देवी देवताओं के प्राचीन ऐतिहासिक पावन स्थल मौजूद हैं। यही कारण है कि इनके दर्शनों के लिए हर मौसम में बड़ी संख्या में देश विदेश से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के बहुत से मंदिर हैं और हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व व रहस्य है। और आज हम आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश के कालका व शिमला के मध्य बसे सोलन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शूलिनी देवी के मंदिर की। माता शूलिनी को साक्षात देवी माँ दुर्गा का रूप माना जाता है जिसे देवी और शक्ति कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर माता शूलिनी के अलावा अन्य देवी देवताओं जैसे कि शिरगुल देवता, माली देवता इत्यादि की प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं, जहां सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शूलिनी देवी को भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। कहते हैं जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवता और ऋषि मुनि तंग हो गए थे तो वे भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी थी, तो भगवान शिव और विष्णु के तेज से माँ भगवती दुर्गा प्रकट हुई थी जिससे सभी देवता खुश हो गए थे और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट करके दुर्गा माँ का सम्मान किया था। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिशूल से एक शूल देवी माँ को भेंट किया था जिसकी वजह से देवी दुर्गा माँ का नाम शूलिनी पड़ा था। कहा जाता है कि माता शूलिनी देवी के नाम से ही सोलन शहर का नामकरण हुआ था जो कि माँ शूलिनी की अपार कृपा से दिन प्रतिदिन समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। शूलिनी देवी के इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मान्यता है कि सदियों पहले जब बघाट रियासत की राजधानी जौनाजी हुआ करती थी तो उस समय वहां के राजा बिजली देव को माँ शूलिनी देवी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं जौनाजी रहती हूँ, वहां धरती के नीचे से मेरी मूर्तियां निकालो। इसके बाद जब राजा ने वहां खुदाई करवाई तो मंदिर के नीचे से माँ शूलिनी देवी और दो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां निकली। इसके बाद राजा ने इन मूर्तियों को सोलनी गांव में स्थापित करवाया। यहाँ प्रतिवर्ष शूलिनी मेले का भी आयोजन किया जाता है। प्रदेश में मनाए जाने वाले पारंपरिक एवं प्रसिद्ध मेलों में माता शूलिनी मेले का अपना एक प्रमुख स्थान है। माता शूलिनी के इस मेले का पुराना इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा हुआ है। माता शूलिनी बघाट रियासत के शासकों की कुल श्रेष्ठा देवी मानी जाती है। सोलन शहर बघाट रियासत की राजधानी हुआ करती थी। इस रियासत की नींव राजा बिजली देव ने रखी थी। इस रियासत की प्रारंभ में राजधानी जौनाजी, उसके बाद कोटी और बाद में सोलन बनी। राजा दुर्गा सिंह इस रियासत के अंतिम शासक थे। रियासत के विभिन्न शासकों के काल से ही माता शूलिनी देवी का मेला यहाँ लगता आ रहा है। जनश्रुति के अनुसार बघाट रियासत के शासक अपनी कुल श्रेष्ठता की प्रसन्नता के लिए मेले का आयोजन करते हैं। बदलते समय के दौरान यह मेला आज भी अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहा है। इस मेले के जरिए माँ शूलिनी शहर के भ्रमण पर निकलती है और जब वापस आती है तो अपनी बहन के पास दो दिन के लिए रुकती है। इसके बाद माँ शूलिनी मंदिर वापस आती है। यही वजह है कि मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के साथ ही पूरे शहर में भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। हर साल मेले की शुरुआत माँ शूलिनी देवी की शोभा यात्रा से होती है
जिसमें माता की पालकी के अलावा विभिन्न धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग माता शूलिनी के दर्शन करके सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पिछले लगभग 200 वर्षों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों का विश्वास है कि माता शूलिनी की सच्चे मन से आराधना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। शूलिनी देवी का मंदिर इस क्षेत्र में रहने वाले भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। माता शूलिनी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हर वर्ष जून माह के 3रे सप्ताह में मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के बारे में जानने के लिए आइए बातचीत करते हैं यहाँ के पंडित राम स्वरूप शर्मा जी से। तो सबसे पहले तो पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं, अपना शीश नवाते हैं, तो माता जो है उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती है। मैं शूलिनी माता मंदिर के बारे में सबसे पहले यहाँ का रहस्य जो है वो जरूर जानना चाहूंगी, ताकि हमारे भक्त या हमारे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो इस मंदिर के बारे में जान सके कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और इस मंदिर की उत्पत्ति आखिर यहाँ पर कब हुई, कैसे हुई। मैं राम स्वरूप शर्मा, पुजारी शूलिनी माता मंदिर सोलन से बोल रहा हूँ। सोलन का शहर का नाम माँ शूलिनी माता के नाम से ही प्रसिद्ध है, तो शहर को सोलन बोलते हैं, पर अब भ्रंश होकर के तो सोलन बोला, जबकि इसका नाम शूलिनी शहर है। ये 200 साल पहले से सोलन शहर बना है। यहाँ पर बघाड़ स्टेट के राजा दुर्गा सिंह के पिताजी या उनके और आगे दादाजी, उन्होंने ये सोलन नगरी बसाई थी। वो धारा नगरी राजस्थान से आए थे और यहाँ ये माता का मंदिर और सोलन शहर बसाया उन्होंने और यहाँ उन्होंने राज्य किया, तो उसी के लिए ये शूलिनी माता मंदिर प्रसिद्ध है और ये जो है सोलन गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अब शहर के साथ जुड़ गया है। अब इसमें मान्यता है कि ये जमींदार लोग जो माता राजा के साथ आए थे, उन्होंने यहाँ एक नई फसल आती है और एक पुरानी फसल है, उसके लिए ये मेला सोलन का होता है। जून के महीने में सोलन का मेला होता है और जून के आखिरी सप्ताह में होता है। 3 दिन ये मेला चलता है। शुक्रवार को माता की झांकी जो है डोली में बैठ करके सारे शहर में निकलती है और शाम को यहाँ एक दूसरा मंदिर है गंज बाजार में, वहाँ पे माता विराजमान होती है। बोलते हैं भाई उनकी छोटी बहन है, उनके पास वो 3 दिन ठहरती हैं और सोलन का मेला होता है। इतवार को ये मेला समाप्त होता है और माता फिर डोली में बैठ करके अपने मंदिर में आ जाती है और ये मेला समाप्त होता है। बड़ी बड़ी दूर से लोग, हजारों लाखों आदमी इस मेले में आते हैं और फिर नवरात्रों में भी यहाँ मेला लगता है, तो ये इस वास्ते ये प्रसिद्ध है। जी पंडित जी, कोरोना के चलते ये सारे त्योहार जो हैं, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते थे वो स्थगित हो गए थे, लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि कोरोना भी जड़ से ज़रूर समाप्त होगा। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से दिन यहाँ पर भक्त जो है वो शीश नवाने आ सकते हैं और क्या कुछ प्रमुख दिन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम भी इस मंदिर में आयोजित होते हैं, चाहे वो भंडारे से रिलेटेड हो या फिर कोई और दुर्गा अष्टमी जिस तरीके के त्यौहार होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे खास कार्यक्रम हैं जो इस मंदिर में मनाए जाते हैं। देखिए, ये कोरोना करके जो है त्यौहार सब या जो मेले वगैरह रोक दिए गए थे, पर हमने जो है माता की डोली मंदिर में ज़रूर पहुंचाई, दूसरे मंदिर जैसे कि यहाँ रीति रिवाज है और ये इसके मुताबिक हमें ये काम करना पड़ता है, तो इस वास्ते लोग कम आ रहे हैं मंदिर में, क्योंकि ये कोविड की जो बीमारी फैल रही है इस वास्ते सरकार ने भी रोक लगा दी है मंदिर पे, तो 3 महीने तो मंदिर बंद ही है। उसके बाद अब मंदिर खुले हैं, लोग श्रद्धालु आ रहे हैं,
तो नवरात्रों में भी यहाँ मेला लगता है। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन यहाँ भंडारा होता है, और वैसे हर हफ्ते यहाँ भंडारा चलता है, जो कि आजकल अभी बंद है, पर कुछ दिनों में शायद शुरू हो जाएंगे। जी, कौन सा वो दिन है पंडित जी? ये मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार के दिन लोग आते हैं और यहाँ भंडारे भी होते हैं और लोग दर्शन करने भी ज़्यादा आते हैं। पंडित जी, हर मंदिर में उसके खुलने का समय और बंद होने का समय निर्धारित होता है, क्या इस मंदिर यहाँ भी है? जी, सुबह ये 6 बजे मंदिर खुलता है, रात को 10 बजे के करीब बंद होता है। जी, मौसम के अनुकूल जो है कहीं बदलाव समय सारे में होता? थोड़ा सा 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है टाइम का। जी, और आरती का विशेष समय क्या रहता है? आरती का शाम को 7 बजे के करीब होता है और सुबह जो है वो 7 बजे के करीब। जी, क्या कुछ अपील आप दर्शकों से, भक्तजनों से करना चाहेंगे? हम तो कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, और दर्शकों के लिए जो है यहाँ अभी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। आजकल जो बंद है, आजकल तो प्रसाद चढ़ाना बंद है, पर ये बीमारी के हटने पे फिर शुरू हो जाएगा। जी, भक्तों का मानना है कि माता शूलिनी को प्रसन्न करने से क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या महामारी नहीं होती। नवरात्रों में भी यहां लाखों भक्त मां के दरबार में पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। भक्तजनों, आज भक्ति आराधना की इस कड़ी में हमने आपको दर्शन करवाए सोलन जिला में स्थित शूलिनी माता मंदिर के, जहां भक्त श्रद्धा पूर्वक आते हैं, शीश नवाते हैं, और एक अपार श्रद्धा, एक अपार विश्वास शूलिनी माता के प्रति भक्तों के अंदर है कि माता रानी जब भी उनके सामने भक्त जो हैं अपनी मुश्किलें बताते हैं, कोई परेशानी बताते हैं, तो माता रानी उन सभी परेशानियों को हर लेती है, उनके जीवन को जो है वो खुशियों से भर देती है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि हमें, आप सभी को हमारा आज का ये खास कार्यक्रम भक्ति आराधना बेहद पसंद आया होगा। बहरहाल आज के लिए मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।